ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिससे मापी जाती है देशों में बढ़ रही भुखमरी, उसमें भारत की स्थिति चिंताजनक। 121 देशों में से 107वें नंबर पर। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर भारत दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों से पीछे। क्या सरकार के पास है कोई जवाब? कौन है इसका जिम्मेदार? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट भारत के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी है। 121 देशों की फहरिस्त में भारत को 107वां स्थान मिला है। जी हाँ, भारत युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों से पीछे है। आज बात होगी एक और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की जिसमें भारत की जगह काफी नीचे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को सही रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। GHI स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है, जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर है और 100 सबसे खराब। भारत का 29.1 का स्कोर इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। अगर हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें, भारत से तुलना करें, तब भी हमारी हालत खस्ता ही है। आसपास के लगभग सभी देश भारत से बेहतर हैं। श्रीलंका की बात करें तो 64वां स्थान उसे प्राप्त है, नेपाल 81 पर है और पाकिस्तान 99 पर है। अफगानिस्तान 109 रैंक पर दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसकी स्थिति भारत से भी बदतर है। वहीं चीन सामूहिक रूप से 1 और 17 के बीच रैंक वाले देशों में है, जिसका स्कोर 5 से कम है और जहां भुखमरी भी सबसे कम है। अगर ऐसा है तो भारत में कितने लोग हैं अल्प पोषित यानी कि अंडर नरिश्ड? तो अल्प पोषण यानी कि अंडर नरिशमेंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। जब आपकी खुराक आपकी बॉडी वेट और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, एज के हिसाब से कम हो और आप जो खा रहे हैं वो आपके बदन की जरूरतों को, उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा हो पूरे 1 साल तक, तो आप अल्प पोषित हैं, अंडर नरिश्ड हैं। तो रिपोर्ट में पता चला है कि 18 से 20 के बीच जहां भारत में पूरी आबादी के साथ अल्प पोषित लोगों का अनुपात 14.6% था, वहीं 19 से 21 में बढ़कर 16.3% हो गया, यानी कि पूरे 1.7% की बढ़त। संयुक्त राष्ट्र 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 224.3 मिलियन लोग अल्प पोषित हैं। वहीं विश्व स्तर पर अल्प पोषित लोगों की कुल संख्या 828 मिलियन है। हालांकि भारत ने अन्य दो संकेतकों यानी कि इंडिकेटर्स में सुधार दिखाया है। 2014 और 2022 के बीच चाइल्ड स्टंटिंग 38.7% से घटकर 35.5% हो गया है और बाल मृत्यु दर भी 4.6% से गिरकर 3.3% हो गई है। 2014 में भारत का GHI स्कोर 28.2 था तो अब 29.1 है। इन मानकों पर भारत ने भले ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, मगर भुखमरी में तो हम फिसले ही हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया के क्या हालात हैं और वैश्विक GHI रिपोर्ट क्या कहती है। तो विश्व स्तर पर हाल ही में भूख के खिलाफ प्रगति काफी हद तक रुकी हुई है। दुनिया के लिए 2022 का GHI स्कोर मध्यम माना जाता है, लेकिन 2022 में 18.2 और 2014 में 19.1 से थोड़ा ही सुधार है। ये संघर्ष जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, COVID-19 महामारी जैसे संकटों की वजह से है। साथ ही यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में खाने के सामान की महंगाई तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ ईंधन और फर्टिलाइजर्स की कीमतें भी गगनचुंबी हो रखी हैं और ये 2023 तक बढ़ती रहेंगी, जिसकी वजह से भुखमरी भी बढ़ने के संकेत हैं। पिछले साल जब ये रिपोर्ट आई थी तब भारत की रैंक 116 देशों में से 101 पर थी। तब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तीखी टिप्पणी कर ये बात कही थी जो अभी आप आपके सामने देख रहे हैं। मैं हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ। ये चौंकाने वाली बात है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 ने भारत के रैंक को नीचे कर दिया है, जो जमीनी हकीकत और तथ्यों से परे है और जिनकी कार्यप्रणाली यानी कि मेथोडोलॉजी गंभीर रूप से गलत है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ की प्रकाशन एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी करने से पहले सही से काम या परिश्रम नहीं किया है, ये मंत्रालय ने कहा। तो अब इस रिपोर्ट को देखकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखना बाकी है। हाल ही में आई कई रिपोर्ट्स को वैसे ही भारत सरकार ने नकार दिया है, चाहे वो अमीरी गरीबी की खाई पर बात करने वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट हो या फिर WHO की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि भारत में कोरोना मौतें सरकारी आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा हैं। क्या इस बार भी सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को नकार देगी या फिर इसे सही मानकर असल में जमीन पर काम करने की कोशिश करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम कमेंट्स में आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे।